पूर्वांचल का जन्नत का द्वार माना जाता है लखनिया दरी, सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है लखनिया दरी। तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का लखनिया दरी। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है आपका भाई। आ चुका है लखनिया दरी। बहुत भाई लोग पूछते थे ना कि खाना बनाने के लिए या अभी जो प्लानिंग हम लोग करते हैं दोस्त के साथ, अंदर अलाउ है कि नहीं, और उसके बाद क्या क्या सुविधाएं हैं जो अभी चेंज हुआ है रिसेंट में, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं लखनिया दरी गेट है, यहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ। अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, आप खाना बनाना अंदर पूरा क्या क्या सामान लेके जा सकते हैं या क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। आइए चलते हैं अंदर, अंदर चल के दिखाते हैं आप लोग। देखते हैं गेट है, यहाँ देखते हैं कुछ लोग अंदर से आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। और इधर देखते हैं छोटी मोटी आप लोग की दुकानें देखने को मिलेगी रोड पे, दुकानें के साथ साथ दोस्तों देखते हैं दोनों साइड में आप लोग को सारी दुकानें मिलेगी। जो भी खाने पीने का सिस्टम है आप यहाँ से अंदर लेके जा सकते हैं, बस कोई भी मदिरा आपको ले जाना उचित नहीं है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इधर फोर्स की गाड़ियाँ हुई हैं, लगी हुई हैं। तो आइए चलते हैं आगे अंदर, और अंदर चल के आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या सुविधाएँ हैं। बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि लखनिया दरी अगर हम घूमने आ रहे हैं तो अंदर खाना बनाना अलाउ है कि नहीं, अगर अलाउ है तो हम लोग सिस्टम क्या क्या लेकर आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते, तो हमारे साथ बने रहेगा। आइए चलते हैं, पहले टिकट कटाते हैं। यहाँ पे 5 रुपये का एक शुल्क लगता है, जो सुरक्षा शुल्क होता है 5 रुपये का, जो सुरक्षा शुल्क होता है वो लेना उचित होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सुरक्षा शुल्क यहाँ पर है लग रहा है, यहाँ पर देखते हैं सब लोग टिकट काट रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सुरक्षा शुल्क के लिए। तो यहाँ पे 5 रुपये का सुरक्षा शुल्क लगता है, सबके लिए लगता है चाहे कोई भी हो। हाँ सो दोस्तों, जैसा कि बता दे अभी उतना पानी भरा नहीं है, नहीं तो ये देखते हैं पूरा फ्लो करता, काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ से देखने पे। देख सकते हैं आगे यहाँ पे लोग घर रुमा बनाया गया है, हर पॉइंट बनाया गया है पॉइंट जहाँ पे लोग थोड़ा सा धूप ऊप हो तो रेस्ट ले सके। पूर्वांचल का जन्नत का द्वार माना जाता है लखनिया दरी, सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है लखनिया दरी। यहाँ पे घटनाएं भी होती हैं और जैसा कि आप लोग को सतर्क भी रहना है यहाँ पे आने के बाद। तो जैसा कि मैं बताया कि दोस्तों कि एक छोटा सा लखनिया दरी पैकेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बहुत भाई लोग दूर दरार से आते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है, काफ़ी वो दूर से आते हैं घूमने के लिए लखनिया दरी, तो नाम बहुत सुने होंगे आप लोग, तो आते हैं यहाँ पे खाना पीना बनाने के लिए, तो लोग को पता नहीं रहता कि अंदर जाकर बना सकते हैं कि नहीं। मैं क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप लोग को लेकर आना है, अंदर अलाउ है, गेट से एंट्री हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती है, सारी मैं चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जैसे सबसे पहले छोटा सा थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है यहाँ पर, आगे भी चलेगा भाई, जो मेन है जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं वहाँ के भी सीन दिखाएगा, नज़ारे दिखाएगा, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहेगा। छोटी छोटी त्रुटियाँ हो तो उसे माफ़ करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि आगे बढ़ सके और लोगों को नॉलेज मिल सके। लखनिया दरी आते हैं बहुत सारे लोग तो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, अदर वीडियो देखते हैं जाके पूरी जानकारी नहीं मिल पाती यहाँ की, तो मैं एक्चुअली मैं पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ का लेकर आया हूँ, तो हमारे साथ बने रहेगा। ये चलते हैं। तो दोस्तों ये तो फ्रंट पर छोटा सा एंटरटेनमेंट है, देख सकते हैं इससे ज़्यादा आगे दिखाएंगे नज़ारे हम आप लोग को। देख सकते हैं यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, अभी उतना स्पीड पानी नहीं गिर रहा है, फिर पानी स्पीड में गिर रहा है, ठीक है। ये आज का लेटेस्ट अपडेट है, जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों बारिश वरिश हो तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप लोग नहाएं, ज़्यादा बीच में जाने की कोशिश ना करें, ठीक है, ज़्यादा बीच में जाने का थोड़ा भी प्रयास ना करें। तो जैसा कि बता दूं दोस्तों, जैसे तो यहाँ पे काफ़ी दूर से कुछ लोग आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी इंटरटेनमेंट करें, पूरी फैमिली के साथ आए, तो मैं इनसे यहाँ के सावधानी के बारे में इन लोग से थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा और इन लोग कहाँ से आए हैं, इन लोगों को कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिलाऊंगा। तो सबसे पहले भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर से आए हैं।
गोरखपुर से घूमने के रखनिया बरी। हाँ घूमने से। अच्छा गोरखपुर से आप लोग आए, बढ़िया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी का बहुत आनंद ले रहे हैं। पूरी फैमिली के साथ आए हैं, खाना पीना बना रहे हैं। लोग बनारस के हैं, बनारस के हैं, बनारस से हम लोग। और यहाँ पे सुरक्षा को लेकर लोगों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? अभी तो सुरक्षा फर्स्ट टाइम आए, लेकिन पहले लोग हैं। हाँ लोग बता रहे हैं, पहले लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी सुरक्षा है, जगह जगह का पानी में ना जाए। हाँ हाँ सुरक्षा है, पानी लोग जा रहे हैं, लेकिन जैसा पानी नहीं है। सुरक्षा तो है, बाकी गार्ड भी आते हैं, मौजूद हैं गार्ड लोग। जैसे कि लोग आते हैं बीच में ना, तो उनके लिए क्या बोलना चाहिए? बीच में ना जैसे वहाँ पे कह रहा हूँ घर ना आ जाए, यहाँ थोड़ा पानी कम है, यहाँ पे यहाँ का आनंद है, अंदर ना जाए, अंदर ज़्यादा कह रही है। आपको कैसा लगा झरना? ठीक है, पानी बढ़िया में कैसा लगा? आप भी बोलना चाहिए तो भी बोल सकते हैं। आप नाम बता दीजिएगा आपका। कहाँ से हैं आप? बनारस से हैं। अच्छा कैसा लगा आपको यहाँ पे आने पर? अच्छा क्या आप कहना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर यहाँ पे लोगों को जो आएंगे घूमने के लिए, उनके साफ सुथरा देना चाहती हूँ? दुर्घटना? अच्छा अच्छा कहाँ से हैं आप? रघुपुर से हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे आने के बाद। चलिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, सुरक्षा को लेकर देख सकते हैं। इन लोग को भी मैं बोलूँगा, हालांकि इन लोग भी चला अभी उतना ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं है जितना ज़्यादा होना चाहिए, मगर एक बात बता दें दोस्तों आप लोग थोड़ा सतर्क रहे हैं, क्योंकि बारिश के समय में यहाँ पे पानी वाटर लेवल कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी बढ़ जाता है। यहाँ पे कोई ठीक नहीं है, कोई सूचना भी नहीं मिलता है, कोई ऐसा कोई सूचना नहीं है जिन्हें वाटर लेवल बढ़ने वाला हटा जाए। तो यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और भी आगे चलते हैं, आप लोग को और भी नया दिखाते हैं वीडियो हमारे साथ लास्ट तक। भैया आए हैं, कहाँ से आए भैया? मुंबई से। कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार, जन्नत फील हो रहा है। हाँ तो आप लोगों को यहाँ के दुर्घटना के लेकर अगर लोग आते हैं तो क्या बताना चाहेंगे? लोगों को सलाह क्या देना चाहते हैं? अरे आप लोग भी आई है, बहुत मजा इधर। सलाह क्या देना चाहते हैं? मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। पानी से तो अच्छा लग रहा, पानी अच्छा अच्छा टेंशन नहीं है। आ, आ, बहुत मजे, बहुत मजा है, काफी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। मुंबई से आया हूँ खाली घूमने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं काफी भैया एक्साइटेड हैं, तो आए घूमने के लिए, इनको अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू भैया। तो दोस्तों आइए यहाँ की सुविधा के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ के पीछे लोग, कुछ लोग खाना बना के छोड़े हुए हैं, मगर यहाँ आगे बोर्ड लगा था खाना बनाना नहीं है अंदर, तो अंदर खाना अलाउ नहीं है, अंदर बना नहीं सकते खाना। बाहर गेट के जो जंगल है वहाँ पे खाना आप बना सकते हैं, बाहर बाहर पीछे जो जंगल उधर बना सकते हैं खाना। आप लोग आराम से खाना बनाइए, खाइए, फिर अंदर आइए, घूमिए, फिर ऐश करिए, इंजॉय करिए। देख सकते हैं चूनादरी प्रवेश वर्जित है, अंदर जाना मना है लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं। आगे जो बड़ी वाली पहाड़ दिख रही है, उस पहाड़ पर से ऊपर से डायरेक्ट पानी गिरता है, जो मैं एक वीडियो आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं वहाँ गया था पीछे से, वहाँ से वीडियो बनाया हूँ, तो आई बटन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जब मना बना नहीं था तब मैं गया था। हाँ अभी तो प्रशासन का मैं ख्याल देखते हुए ये लोग मना कर रहे हैं, तो अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इधर देख सकते हैं लोग नहाने हैं। आगे भी चलते हैं, आगे भी चलो दिखा देना नज़र। तो भरसा कोशिश करें आप किनार पे नहाएं, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है, मौसम चल रहा है। अभी देखते हैं जल स्तर तो उतना नहीं है, वाटर लेवल कम है, फिर भी मैं बता दूं आप लोग अपने सतर्कता से रहें। यहाँ पे कभी भी जल स्तर बारिश में बढ़ जाता है, अचानक से पता नहीं चलता है, तो ठीक है। आइए चलते हैं आगे, आगे चल के अगर मौका मिलता है तो आप लोग को गार्ड से भी यहाँ के जो हैं लगे हैं, क्योंकि पुलिस वाले उनसे भी बात कराते हैं। नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है यार, चारों बगला पहाड़, बीच में झरना, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो वीडियो में कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा हमें। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का मज़ा ये है, लोग काफ़ी डुबरा खाते हैं और जल में इस तरह इंटरटेनमेंट करते हैं, नहाते हैं यहाँ पे और घूमते हैं। और जैसे खाना उधर बन रहा है, उधर अपना चूल्हा चौका जो भी लेकर आए लोग, सब तो गैस भी लेकर आए हैं, गैस भी लेकर आते हैं। चारों बगला जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ लखनियागिरी काफ़ी फेमस है। अभी इसके आगे भी चलेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, आगे चल के दिखाएंगे। मेरा देखते हैं लोग कैसे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कितना मज़ा ले रहे हैं, ठीक है, पानी के बहाव के साथ।
यहाँ पे काफ़ी लोग इसी तरह इंटरटेनमेंट करने आते देखते हैं। यहाँ से आगे तक लोग काफ़ी दूर तक लोग स्नान कर रहे हैं, मैं दिखाऊँ आप लोग को। ये देखिए काफ़ी दूर तक, चलिए आइए चलते हैं आगे, आगे चलिए दिखा देना देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं दिखा दूँ आप लोग को, थोड़ा सा हवा आ रहा है, थोड़ी सी हवा आ रहा है, हवा का और पानी का शोर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा आप लोग को। तो शोर अगर पानी का ज़्यादा आ रहा होगा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि नॉइस ज़्यादा आ रही होगी। थोड़ा सा मेरा माइक जो है थर्ड क्वालिटी का है, इसके वजह से नॉइस ज़्यादा कवर कर रहा होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह लोग यहाँ पे आने के बाद इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। देख सकते हैं लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो मैं जैसा कि बता दूँ दोस्तों आप लोग को, देख सकते हैं फिर भी आगे बीच में लोग दिखते हैं नहा रहे हैं, ठीक है। सावधानी देखते हुए लोग थोड़ा सा सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। हाँ, जैसा कि अभी बता दूँ कि मौसम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बारिश का, और आगे बारिश भी हो रही है, उस साइड से बारिश हो रही है, ठीक है, आगे बारिश हो भी रही है। तो इसके वाटर लेवल थोड़ा सुबह में आया तो कम गिर रहा था, मगर अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे करके वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो उस पार लोग खड़े हैं, मैं फिर दिखा दूंगा आप लोग को, जो उस पार लोग खड़े हैं, उस पार जो नहा रहे हैं, उस पार के लोगों को इस पार आने तक बता दें दोस्तों कि मुमकिन नहीं है। जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो इस पार आना काफ़ी भयानक पानी, क्योंकि एक जैसे बता देना कि बहा ले जाएगा पूरे नाव को, वैसा जलस्तर यहाँ पे पड़ जाता है। तो सावधानी पूर्वक मैं जैसा कि बता दूँ आप लोग को, हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बढ़ के उस पार जो नहा रहे हैं लोग, थोड़ा सा इस पार भी नहा सकते हैं, नहा है, ठीक है। इंटरटेनमेंट के साथ दोस्तों देख सकते हैं, इंजॉय करें और थोड़ा सावधानी बरते, चलिए चलते हैं और भी दिखाते हैं। तो दोस्तों छोटा सा ये लखनिया दरी का इंफॉर्मेशनल वीडियो समझे, चाहे इसे नॉलेजबल वीडियो समझे, जो भी वीडियो समझे आप दोस्तों, मगर ये भाई आप लोग के लिए आया, यहाँ पे वीडियो शूट किया और यहाँ की चेतावनी के बारे में, व्यवस्था के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया। आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए भाई यहीं से करता है वीडियो क्लोज और आपसे मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो पे एक अदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए हर हर महल दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों भी शेयर करना नहीं भूलेगा। बहुत सारे भाई लोग वीडियो देखते हैं, प्लीज़ लाइक करिएगा, ताकि आप लोग लाइक करते हैं हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे और भी आगे काम करने का और वीडियो बनाने का। तो चलिए जाते हैं, इसे वीडियो करते हैं क्लोज और आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ एक नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे, और ऐसे जगह पे आए आप लोग हमेशा इंटरटेनमेंट के साथ घूमें, इंजॉय करें और सुरक्षित से जाएं घर पे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मित्रों।